हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फेसबुक मैसेंजर की बहुत ही कमाल की नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि फेसबुक मैसेंजर जो है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इसे यूज़ कर रहे हैं, और आप लोगों को पता है आप लोगों के पास भी इसीलिए काफ़ी फ्रेंड्स जो है आपकी कंटेंट लिस्ट में ऐड होते हैं। और अगर आप लोग किसी को भी मैसेज करना चाह रहे होते हैं, और सम टाइम होता है कि हम गलती से किसी और को मैसेज कर देते हैं, और वहाँ पर हम उस मैसेज को किस तरह से डिलीट करें कि वो मैसेज उसकी तरफ से भी डिलीट हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों से गलती से कोई भी मैसेज फेसबुक मैसेंजर पर अपने किसी भी फ्रेंड को सेंड हो गया, और आप उसको जो है वो दोनों साइड से किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोग भी ये जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि ये अपडेट जो है व्हाट्सएप की तरफ से काफ़ी अर्सा पहले हम लोगों को मिल चुकी है कि हम कोई भी गलती से अगर मैसेज कर देते हैं तो उसे डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर सकते हैं, वो मैसेज दोनों साइड से जो है वो डिलीट हो जाता है। इसी तरह ये अपडेट जो है फेसबुक मैसेंजर ने भी दे दिए, जिसमें आप गलती से किए हुए मैसेज को दोनों साइड से जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फेसबुक मैसेंजर को जो ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये वो मैसेज है जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था। इसको मैं अगर क्लिक करके रखता हूँ तो नीचे हमें ऑप्शन मिलती थी रिमूव की, जैसे आप उस पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर रिमूव फॉर यू, यानी कि ये सिर्फ आपकी तरफ से रिमूव होता था, दूसरे बंदे की तरफ से ये रिमूव नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को मैसेज करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैं मैसेज लिखता हूँ उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ, ये मैसेज आप देख रहे हैं सेंड हो गया है। और यहाँ पर अगर मैं इसको टैप करके रखता हूँ उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन वही मिलती है रिमूव की, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको दो ऑप्शनें मिलेंगी, रिमूव फॉर एवरीवन, रिमूव फॉर यू। तो अगर आप रिमूव फॉर एवरीवन पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज दोनों साइड से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये आपसे दोबारा पूछेगा कि आप इसे दोनों साइड से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपने रिमूव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज जो है वो दोनों साइड से रिमूव हो गया है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने एक बात को याद रखना है कि अगर आपने 10 मिनट से पहले पहले उस मैसेज को डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो वो दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा। अगर 10 मिनट से ऊपर हो जाते हैं तो वो मैसेज दोनों साइड से रिमूव नहीं होगा। जिस तरह की ये मेरी पिक्चर है, ये मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो सेंड की थी, अगर मैं इसको जो है रिमूव फ्रॉम एवरीवन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं रिमूव करके देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें सिर्फ एक को ऑप्शन मिलेगी कि हम अपनी साइड से इसे रिमूव कर सकते हैं, ये दोनों साइड से रिमूव नहीं होगा। जिस तरह कि यहाँ पर मैंने इसे रिमूव किया तो ये सिर्फ मेरी साइड से हुआ है। इसलिए आप लोगों ने अगर गलती से कोई भी मैसेज कोई भी पिक्चर सेंड कर दी है किसी को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो 10 मिनट से पहले पहले उसे रिमूव कर दें। तो अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस अपडेट को आपने किस तरह से यूज़ करना है, और अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आ रही तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सिंपली जाना अपने प्ले स्टोर में, वहाँ पर जाने के बाद आपने अपडेट कर लेना अपने फेसबुक मैसेंजर को। जैसे आप अपडेट करेंगे तो ये फीचर जो है वो आप लोगों को भी मिल जाएगा, आप लोग भी इस फीचर को जो है वो यूज़ कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये फीचर जो है वो आप लोगों के पास इनेबल हुआ है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीज़ें।